एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल की बर्फी, जो कि बहुत कम चीजों में बनने वाली रेसिपी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो नारियल की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ताज़ा नारियल लिया है, तो अभी हम इसको अच्छे से छील लेंगे। हमें जो है ये नारियल के जो ब्लैक पार्ट रहता है ना, हमें उसको निकाल देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, उसमें कलर भी आ जाएगा और फिर उसका स्वाद भी नहीं अच्छा आएगा बर्फी का, इसलिए तो हमें इसको अच्छे से निकाल लेना है। तो अभी हमने जो नारियल का ब्लैक पार्ट था उसको अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अभी हम इसको एक पानी में अच्छे से धो लेंगे। नारियल को जो मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन ग्राइंड करने से पहले हम इसको अच्छे से छोटा छोटा इसको टुकड़ा कर लेंगे, ताकि मिक्सर में अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके। आप चाहे तो इसको किस भी सकते हो, लेकिन टाइम नहीं होगा आपके पास तो इसको ग्राइंड किया तो भी चलेगा। तो अभी हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से बारीक कर लिया है। अभी हम इसको रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, तो अभी हम कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी ली है। अभी हम इसमें जो हमने एक क्वार्टर जो नारियल लिया था ग्राइंड करके हम इसमें डालेंगे। तरीके से हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि नारियल जो है ना वो पानी छोड़ता है ना, तो इसकी वजह से इसका जो पानी है पूरी तरीके से निकल जाने के लिए हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अभी हम इसमें नारियल का जो दूध रहता है वो डालेंगे। चार टेबल स्पून इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। ये पूरी प्रोसेस को हमें ऐसी ही स्लो फ्लेम पे ही पकना है और ऐसे ही कंटिन्यूसली 2-3 मिनट तक ऐसे ही हिलाते रहना है। हम इसके अंदर दूध डालेंगे, ऐसे ही हिलाते रहना है दूध डालने के बाद भी। यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई ली है घर की बनाई हुई, हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसके बजाय मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हो। पाउडर दिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, आपको अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप शक्कर लिया है। शक्कर हमें ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो नारियल में भी मीठापन रहता है, इसलिए हमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है इसमें। आप इसके बजाय मिल्क मेड जो होता है वो भी डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग। शक्कर जो अच्छे से पानी छोड़ नहीं देता, हमें इसको ऐसे ही तरीके से हमें इसको ऐसे ही हिलाते रहना है।
जब तक हमारा जो पानी है सूख ना जाए। और ये जो बैटर है टोटली आटे जैसा कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। पानी है वो टोटली छोड़ दिया है, देख सकते हो आप। तो हमें इसका जो पानी जब तक सूखे ना तब तक हमें इसको ऐसे ही पका लेना है। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर जो रहता है वो भी डाल सकते हो। तो ये नारियल की बर्फी है, इसके लिए मैंने नारियल का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो आने के लिए मैंने ये इलायची पाउडर नहीं डाला है। बर्फी का जो बैटर है टोटली रेडी हो गया है, जो पानी जो टोटली सूख गया है। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने घी लगाया चारों ओर से। अभी हम इसमें ये बैटर को निकालेंगे। तो अभी हमें इसको फ्रीज में आधे घंटे या फिर एक घंटे तक हमें इसको कम से कम रखना है, ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी बर्फी हो जो कड़क हो जाएगी, तो फिर उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। उससे अच्छा आप आधा या पौना घंटे तक आप रखें तो भी अच्छा रहेगा। अभी हम इसको बर्फी को काट लेते हैं। थी हमारी आज की रेसिपी नारियल की बर्फी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, तो प्लीज घर पे जरूर ट्राई करना ये रेसिपी, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। बहुत कम चीज में बनने वाली रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो। थैंक यू।